जाम ये पानी लगने के कारण जाम किया गया है। कल एगो महिला नाला में गिर गई, नाला का चारों तरफ ढक्कन खुला हुआ। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत डुमरी सुमेरा रोड में जलजमाव पर स्थानीय लोगों और व्यवसायियों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशितों ने सड़क जाम कर दिया और हंगामा करने लगे। लोगों का आरोप है कि जलजमाव की समस्या को लेकर वह कई बार सांसद, विधायक, डीएम, पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से भी मिले। हर बार कहा जाता था कि फंड आएगा तो काम होगा, लेकिन उनकी समस्याएं जस की तस बनी हुई है, जिसके बाद मजबूरी में उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा। मौके पर मौजूद उप मुखिया पति सोनू ने बताया कि जल जमाव से जनता त्रस्त है। इस भीषण गर्मी में भी क्षेत्र के लोगों को जल जमाव की समस्या को झेलना पड़ रहा है। सड़क जाम की सूचना पर खुद सदर थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार मिश्रा दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। वहीं वीडियो से वार्ता कर जल जमाव की समस्या के निराकरण की बात कर लोगों को शांत कराया। जी जाम लगाया गया, इसका क्या रीजन हो गया? देखिए, मेन रीजन है कि हम लोग व्यापारी वर्ग के लोग हैं। हम लोग का दोनों तरफ दुकान है और अगर यहाँ की आबादी की बात करें तो लगभग आपको 28,000 प्लस है। लेकिन ये जो नाला है बीचों बीच, ये रोड जो हुआ वो डुमरी चौक सुमेरा रोड हुआ और तुर्की का भी जो है ये मेन बाईपास है, लेकिन हमेशा ये पानी के लेके जाम रहता है। हम लोग दुकान तो खोलते हैं, शाम तक इंतज़ार करते हैं कस्टमर का कि अब बोहनी करेंगे, अब करेंगे, लेकिन कस्टमर भी नहीं आ पाते। मेन इसका रीज़न है पानी। अगर पानी को यहाँ से लेके फर्दो भूला तक, आगे फर्दो एक पुल है, अगर उसमें नाला को साफ करा दिया जाए तो इसका निकासी हो जाएगा, हम लोग का भी निदान हो जाएगा। तो बस हाँ, सारे जगह दिया गया है, लेकिन आवेदन भी दिया गया है, आश्वासन मिलता है, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है। अब इसके कारण हम लोग मजबूरन है कि आज रोड पे उतरे हैं। क्या परिचय हुआ? चंदन कुमार। क्या कुछ मांगों को लेकर आज सड़क जाम किया? हम लोग का मांग है कि नाला का दोनों तरफ से नाला जो बना हुआ है उसको सुचारू रूप से यहां से लेकर फर्दों तक सफाई किया जाए और पानी का जो निकासी है जो 12 महीना लगा रहता है उसको दूर किया जाए। क्या कुछ परिचय हुआ? मेरा परिचय हुआ सुनील कुमार सोनू, मेरा नाम हुआ, उप मुखिया पति हुए हैं। इसके लेकर कहीं शिकायत भी की है? शिकायत किए हुए हैं, सांसद साहब के पास शिकायत है और आपको विधायक जी के पास शिकायत है, MLC साहब के पास शिकायत है और PWD के बड़ा बाबू से लेके SDO साहब से सब तरफ लिखित शिकायत किया गया हुआ है। कुछ कार्रवाई का आश्वासन? अभी तक कार्रवाई का सिर्फ आश्वासन हुआ है कि फंड आएगा तो काम होगा। फंड आता है, फंड कहाँ जाता है वो अधिकारी ही जाने। स्थानीय लोग का एक ग्रीवांश था, यहाँ पे नाला जाम है और कई महीनों से जाम है, सफाई नहीं हुआ है। लोगों ने हर जगह सिविल प्रशासन में अपना दिया है एप्लीकेशन, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अब उसी के जो है दुख दर्द जो कही उसमें जो है लोग जाम किया। हालांकि बात चल रही है, लोग सहमत है कि हाँ मतलब किसी और को कष्ट नहीं, जाम हटा देंगे, लेकिन इनका निराकरण होना चाहिए। हम भी उसी पक्ष में हैं, स्थानीय जो भी वीडियो साहब आ रहे हैं और इसका हम निराकरण कर देंगे। जाम ये पानी लगने के कारण जाम किया गया है। कल एगो महिला नाला में गिर गई, नाला का चारों तरफ ढक्कन खुला हुआ है, पूरा मतलब व्यवसाय जो है बेकार हो गया, चौपट हो रखा है ये पानी के कारण। इसीलिए हम लोग कई बार लोग थाना उना में जाके मैंने वो कथी बोलते हैं PWD में बोले हैं, लेकिन नहीं कुछ सुनवाई हुआ है। तो आज जाम किए हम लोग कि पानी का कुछ इसका कुछ व्यवस्था किया जाए।
अपने सपनों के आशियाओं को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।